टीम इंडिया में फिर से झगड़ा, खिलाड़ी और चयन समिति इस कोच को लेकर भिड़े। नमस्कार, भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द ही नया स्पोर्ट्स स्टाफ मिलना है। इसके तहत नए ट्रेनर या स्ट्रेंथ व कंडीशनिंग कोच की नियुक्ति भी होनी है, लेकिन इस मामले पर भारतीय क्रिकेट टीम और चयनकर्ताओं के बीच सहमति नहीं बन रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार नए ट्रेनर की नियुक्ति का फैसला 31 अगस्त को बेंगलुरु में होगा। इस पद की रेस में ब्लू वुड हाउस, ग्रांट लुडेन, रजनीकांत, शिवा गनम, निक बेब और अनंत दांते शामिल है। टीम इंडिया का स्पोर्ट्स स्टाफ चुनने की जिम्मेदारी MSK प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति को दी गई। इस समिति ने पिछले सप्ताह बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी कोच और फील्डिंग कोच को चुना था। इसके तहत विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच और आर श्रीधर फील्डिंग कोच और भरत अरुण बॉलिंग कोच चुने गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार टीम मैनेजमेंट किसी भारतीय को ट्रेनर के रूप में चाहता है। बताया जाता है कि खिलाड़ियों ने गोपनीय रूप से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी बताए हैं, लेकिन उनकी पसंद से चयन समिति सहमत नहीं है। इसी मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि कोलकाता के रणदीप मोइत्रा को लेने का क्या मतलब है, और वह जिम ट्रेनर है। वो 10 साल पहले ऑन फील्ड क्रिकेट का काम करते थे। COA ने पोल चैंपियन या राम श्रीनिवासन को क्यों नहीं बुलाया। बता दें कि चैंपियन इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ही बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम कर चुके हैं। वही श्रीनिवासन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ट्रेनर रह चुके हैं। उन्हें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का अनुभव है। वही COA का कहना है कि टीम को सबसे अच्छा ट्रेनर मिले यही कोशिश है। पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम ने फिटनेस पर काफी जोर दिया था। अब टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए अच्छे खेल के साथ योजो टेस्ट पास करना भी जरूरी होता है। कप्तान विराट कोहली फिटनेस पर खूब काम करते हैं और अपनी टीम को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इसी का नतीजा है कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों का फिटनेस सत्र काफी सुधरा है और इसका असर इनके खेल में भी नजर आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।